मेरी मस्जिद में दिया ऐसा जलाया जाए, पूर्णा वालों की तरफ से पूरे हिंदुस्तान के लिए मैसेज, पूरे हिंदुस्तान के लिए पैगाम। मेरी मस्जिद में दिया ऐसा जलाया जाए, तेरे मंदिर की गली में भी उजाला जाए। मेरी मस्जिद में दिया ऐसा जलाया जाए, तेरे मंदिर की गली में भी उजाला जाए। और मेरे भारत के जो बच्चे हैं, सभी बच्चे हैं, इनको नफ़रत की हवाओं से बचाया जाए। मेरे भारत के जो बच्चे हैं, सभी बच्चे हैं, इनको नफ़रत की हवाओं से बचाया जाए। आइए दोस्तों, इन्हों मिस्रों के साथ मैं आवाज़ दे रहा हूँ मोहतरम वाहिद अंसारी साहब को, जो मालेगांव से हमारे बीच हैं, बहुत बावखार और बहुत मोतबर शायर। हज़रीन गिरामी, चार मिस्रे पढ़ता हूँ और यही सपने शेरी सफर का आगाज पेश करता हूँ, समाज फरमाए। देश का दुश्मन चाहे हमारा भाई हो, वाह वाह वाह, वक्त पड़ा तो उसकी जान भी ले लेंगे, क्या कहने, वाह वाह। देश का दुश्मन चाहे हमारा भाई हो, वक्त पड़ा तो उसकी जान भी ले लेंगे। सबको अंदाजा है हमारी ताकत का, जिद पे अड़े तो पाकिस्तान भी ले लेंगे, जिद पे अड़े तो। क्या बात है, फिर पढ़िए, फिर पढ़िए, फिर पढ़िए लेंगे। अभी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं पढ़ता हूँ। देश का दुश्मन चाहे हमारा भाई हो, बहुत शुक्रिया। कौन सा है नया है ना, क्यों पढ़ते हैं फिर एक मरतबा। देश का दुश्मन चाहे हमारा भाई हो, वक्त पड़ा तो उसकी जान भी ले लेंगे। सबको अंदाजा है हमारी ताकत का, जिद पे अड़े तो पाकिस्तान भी ले लेंगे, जिद पे अड़े तो पाकिस्तान भी ले लेंगे, ले लेंगे। अपने वतन का हर जर्रा तूफानी है, क्या कहने, वाह वाह। एक एक बच्चा राजा हिंदुस्तानी है, अपने वतन का हर जर्रा तूफानी है, एक एक बच्चा राजा हिंदुस्तानी है। सबको पता है अपनी मिट्टी सोना है, उनकी मिट्टी पे पीतल का पानी है, उनकी मिट्टी पे पीतल का पानी है, पीतल का पानी है, उनकी मिट्टी पे पीतल का पानी है, पानी है। इधर देखिए, इधर मैं इधर हूँ, मैं इधर, आप इधर, हाँ इधर उधर, जब तक मैं माइक पे हूँ पराया मेहरबानी, आप कहीं ना जाएं, यहीं मेरे साथ रहें, है ना। ये बच्चे ने मोहब्बतों से नवाजा, ये जिस तरह इसने नोट मेरे ऊपर निछावर की, अल्लाह करे कि आपकी दाद की निछावर मुझ पे हो जाए, आपकी दाद मुझ पे, है ना। इसकी जरूरत नहीं, इसके लिए बहुत शुक्रिया, फिरोज भाई ने इससे ज्यादा हमको दे दिया है। बस इस वक्त तो गुजारिश है कि आपने अच्छा सुना है ना, मूड बनाया। अभी भी कुछ लोग थोड़ा सा सहमे हुए हैं, अल्लाह करे कि उनका मूड बन जाए, मूड बन जाए, है ना। समाज फरमाए, उनकी मिट्टी पे पीतल का, पीतल का पानी है, पीतल का पानी है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहते हैं, प्यारे हिंदुस्तान का जलवा जिंदाबाद। चौथे मिसरे पे बोलेंगे इंशाल्लाह। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहते हैं, प्यारे हिंदुस्तान का जलवा जिंदाबाद। सारी दुनिया के झंडों से ऊंचा है,
इसीलिए तो अपना तिरंगा जिंदाबाद, इसीलिए तो अपना तिरंगा जिंदाबाद, इसीलिए तो अपना तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद। और दो तीन शेर सुन लीजिए जी, उसके बाद एक नज़्म, चार पांच मिनट सात मिनट पे सफर पेश करता हूँ समाज में। इसीलिए तो अपना तिरंगा, तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद। और ये चार मिसरे भी समाप्त फरमाए। हुब्बुल वतनी खुद इस्लाम सिखाता है, क्या कहने, वाह। अगर सच्चाई हो तो तालियां बजा के मेरी तायद कर सकते हैं आप। वाह वाह वाह। हुब्बुल वतनी खुद इस्लाम सिखाता है, जिस धरती पे हो उसका ऐलान करो। बेटा वाहिद ये तो हदीसे नबवी है, अपने वतन पर जानो दिल कुर्बान करो, अपने वतन पर जानो दिल कुर्बान करो, कुर्बान करो, अपने वतन पर जानो दिल कुर्बान करो। और ये चार और ये चार मिसरे भी समाज फरमाएं। अपने वतन पर जानो दिल कुर्बान करो, कुर्बान करो। पढ़े चार मिसरे पढ़ता हूं समाज फरमाएं। जी। हर घर में तहजीब का जादू जिंदा है, वाह। जब तक हिंदुस्तान में उर्दू जिंदा है। इस मतलब पे इसलिए शरीक हो जाए कि इसके बाद बहुत अच्छा शेर पढ़ने वाला हूँ। हर घर में तहजीब का जादू जिंदा है, जब तक हिंदुस्तान में उर्दू जिंदा है। अंग्रेजों में आज भी दहशत तारी है, लगता है कि आज भी टीपू जिंदा है, लगता है कि आज टीपू जिंदा है, टीपू जिंदा है। हर घर में तहजीब का जादू जिंदा है, जब तक हिंदुस्तान में उर्दू जिंदा है। अंग्रेजों में आज भी दहशत तारी है, लगता है कि आज भी टीपू जिंदा है, लगता है कि आज भी टीपू, टीपू जिंदा है, टीपू जब तक हिंदुस्तान में उर्दू जिंदा है। और शोरा हजरात खास तौर से शेर पढ़ता हूँ। मारने वाला कब का जल कर खाक हुआ, मारने वाला कब का जल कर खाक हुआ। चौराहों पर आज भी बापू जिंदा है, चौराहों पर आज भी बापू जिंदा है। लगता है कि आज भी टीपू, टीपू जिंदा है, टीपू जिंदा है। पहले तालीम से, अब मुझे देखना है मेरी कौम के कितने लोग यहाँ बैठे हैं और इस सच्चाई की कितने लोग ताईद करते हैं। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। बहुत अच्छा था ये, आप ताली बजा सकते हैं, है ना। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ
हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे, तरह तोड़ दिए जाओगे। फिरोज भाई, जौहर साहब, मेरे भाई अल्ताफ जिया, कमर एजाज साहब, भाई आरिफ सैफी, काला धन, इधर काला धन ढूंढा जा रहा है, काला धन ढूंढा जा रहा है। ढूंढने वालों को ये भी नहीं मालूम कि कौन सी चीज कहाँ ढूंढी जाती है। क्या बात है, वाह वाह। अगर आपकी नुमाइंदगी करूं, मेरी कौम की अगर नुमाइंदगी हो, तो मेरी ताई धोनी चाहिए यहाँ से वहां तक। समाप्त फरमाएं, खुदा की राह में जो अपना माल देते हैं, खुदा की राह में जो अपना माल देते हैं, हराने वाली मुसीबत को टाल देते हैं। ताईत करें मेरी, खुदा की राह में जो अपना माल देते हैं, हराने वाली मुसीबत को टाल देते हैं, हमारे पास मिलेगा ना काला धन तुमको, हम अपने माल का सदका निकाल देते हैं। अरे वाह, हम अपने माल, कहने भाई भाई, जोरदार थाली, जोरदार थाली, जोरदार थाली, क्या कहने भाई भाई, क्या कहने, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खुदा की राह, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे, कम से कम आप बेदार हुए, मुझे इसलिए खुशी है, मुझे इसलिए खुशी है कि ये मूड बन जाएगा, आपका माहौल बन जाएगा, तो बड़ी शायरी बड़े शोरा को आपको सुनना, अल्लाह करे यही मूड आपका बना रहे। खुदा की राह में जो अपना माल देते हैं, हराने वाली मुसीबत को टाल देते हैं, हमारे पास मिलेगा ना काला धन तुमको, हम अपने माल का सदका निकाल देते हैं, हम अपने माल का सदका निकाल देते हैं। वाह 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 वाह, ए दीन के गद्दार, आहा, बोले बोले, ताली 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 ताली, मोड बनाए मोड बनाए, अल्लाह सलामत रखे, बहुत अच्छे। ऐ दीन के गद्दार, 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 बुलाऊं क्या उमर को, 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 बुलाऊं क्या उमर को, कर देंगे तड़ी पार, बुलाओ क्या उम्र को, कर देंगे तड़ी पार, बुलाओ क्या उम्र को, ऐ दीन के गद्दार, बुलाओ क्या उम्र को, बुलाओ क्या उम्र को, कर देंगे तड़ी पार, बुलाओ क्या उम्र को, कर देंगे तड़ी पार, बुलाओ क्या उम्र को, बुलाओ क्या उम्र को, तो किबला अव्वल की जमी छोड़ दे वरना बुलाऊं क्या उमर को, तो किबला अव्वल की जमी छोड़ दे वरना, तो किबला अव्वल की जमी छोड़ दे वरना, जमी छोड़ दे वरना, ऐ लश्कर कुफार बुलाऊं क्या उमर को, ऐ लश्कर कुफार बुलाऊं क्या उमर को, कर देंगे तड़ी पार, बुलाओ क्या उमर को, बुलाओ क्या उमर को, बुलाओ क्या उमर को, बुलाओ क्या उमर को, ऐसे नहीं जाएगा तू बस्ती से हमारी, बुलाओ क्या उमर को, ऐसे नहीं जाएगा तू बस्ती से हमारी, बस्ती से हमारी,
पड़ जाएगी दो चार बुलाओ क्या उम्र को, पड़ जाएगी दो चार बुलाओ क्या उम्र को, कर देंगे तड़ी पार बुलाओ क्या। अरे वो फरमाइश है ना, ताली 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 बजा के बुलाइए, ताली बजा के बुलाइए। आप दाद दे सकते हैं वाहिद भाई, वो कमेटी कमेटी वालों की जो फरमाइश क्या है दिए लड़के। मैं दूसरे दौर में पढ़ूंगा वो, सुनो ना मैं पढ़ूंगा, एक बात सुन लो मैं पढ़ूंगा, मेरा वादा है ना। चाहे कितना भी सता ले ये जमाने वाले, हाय हाय चाहे कितना भी सता ले ये जमाने वाले, 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 छोड़ के अपना वतन हम नहीं जाने वाले, छोड़ के अपना वाले, चाहे कितना भी सता दे ये जमाने वाले, चाहे कितना भी सता दे ये जमाने वाले, छोड़ के अपना वतन हम नहीं जाने वाले, छोड़ के अपना वतन हम नहीं जाने वाले, छोड़ के अपना वतन हम नहीं जाने वाले। काले कानून से हरगिज नहीं घबराने का, ताईद होनी चाहिए मेरी, ताईद होनी चाहिए। काले कानून से हरगिज नहीं घबराने का, मुस्कुराते हुए तूफान से टकराने का, काले कानून से हरगिज नहीं घबराने का, मुस्कुराते हुए तूफान से टकराने का, जो बुजुर्गों ने किया काम वो कर जाने का, जो बुजुर्गों ने किया काम वो कर जाने का, अपनी अजमत के लिए शान से मर जाने का, अपनी क्या कहने से मर जाने। अब देखता हूं अल्लाह ना करे कि इस बस में कोई गूंगा बैठा और खड़ा हो, वो बंद पढ़ने जा रहा हूं कि वो भी मेरे साथ बोलेगा। आपका क्रोध, आपका गुस्सा आपकी तालियों की आवाज यहां से लेकर दिल्ली के शाहीन बाग तक पहुंचेगी इंशाल्लाह। अब देखता हूं कितने लोग खामोश रहते हैं, कितने लोग बोलते हैं। सवाल पर मैं, छोड़ के अपना वतन हम नहीं जाने वाले, छोड़ के अपना वतन हम नहीं जाने वाले, अपने कदमों पे जमाने को झुकाने वाले, बेसबब हिंदू मुसलमान को सताने वाले, अपने कदमों पे जमाने को झुकाने वाले, बेसबब हिंदू मुसलमान को सताने वाले, खुद को फिरौन की औलाद बताने वाले, छोड़ के अपना वतन हम नहीं जाने वाले, बेसबब हिंदू अपने कदमों पे जमाने को झुकाने वाले, बेसबब हिंदू मुसलमान को सताने वाले, अपने कदमों पे जमाने को झुकाने वाले, बेसबब हिंदू मुसलमान को सताने वाले, खुद को फिरौन की औलाद बताने वाले, खुद को फिरौन की औलाद बता वाले, खुद को फिरौन की औलाद बताने वाले, खुद को फिरौन की औलाद बताने वाले, याद रख हम भी हैं मूसा के घर आने वाले, याद रख हम भी। क्या कहने वाहिद भाई, फिर पढ़िए हेलो वाहिद भाई, फिर पढ़िए वाहिद भाई, फिर पढ़िए। छोड़ के अपना वतन हम नहीं जाने वाले, छोड़ के अपना वतन हम नहीं जाने वाले,
अपने कदमों पे जमाने को झुकाने वाले, बेसबब हिंदू मुसलमान को सताने वाले, खुद को फिरौन की औलाद बताने वाले, खुद को फिरौन की औलाद बताने वाले। याद रख हम भी हैं मूसा के घराने वाले, याद रख हम भी हैं मूसा के घराने वाले, छोड़ के अपना वतन हम नहीं जाने वाले। टीपू के घराने के हैं हम लोग। अब बंद करता हूँ सवाल फरमाए। याद रख हम भी हैं मूसा के घराने वाले, छोड़ के अपना वतन हम नहीं जाने वाले। कौमी यकजहती के पेड़ों को गिराते क्यों हो, छोड़ के अपना वतन हम आप छोड़ के अपना वतन हम नहीं जाने वाले, छोड़ के अपना वतन हम नहीं जाने वाले। कौमी यकजहती के पेड़ों को गिराते क्यों हो, अमन के सारे परिंदों को उड़ाते क्यों हो, कौमी यकजहती के पेड़ों को गिराते क्यों हो, अमन के सारे परिंदों को उड़ाते क्यों हो, गुजरी तारीख हमें याद दिलाते क्यों हो, गुजरी तारीख हमें याद दिलाते क्यों हो, यानी सोए हुए शेरों को जगाते क्यों हो, क्या बात है, शेरों को जगाते क्यों हो, गुजरी तारीख हमें याद दिलाते क्यों हो, यानी सोए हुए शेरों को जगाते क्यों हो, छोड़ के अपना वतन हम नहीं जाने वाले। बहुत बहुत शुक्रिया वाहिद अंसारी साहब, जोरदार ताली वाहिद अंसारी के लिए बजाइए। बहुत अच्छे दूसरे दौर में वाहिद भाई को आप जितना सुनना चाहते हैं सुनिए। दूसरे दौर में सिर्फ वही शायर यहाँ पर माइक पर आएगा जिसको आप सुनना चाहेंगे। और अब आपका शाहजादा उर्दू गजल खुद जिससे प्यार करती है